싫어요! नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। इस समय रेलवे स्टेशन के पास कर्मचारी धरना दिए हुए हैं। वो अपनी किन मांगों की मांग कर रहे हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम संजय कुमार जी, श्रम कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान जी। तो सर, आपकी ये क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है? सर, आज का हमारा ये सत्याग्रह आंदोलन का धरना दिया जा रहा है जी। और सत्याग्रह में ये है कि भाई सरकार जो सच्चाई है वो बातें बताए, जनता को बरगलाना बंद कर दे इस बारे में। जो हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, उससे जनता को रूबरू करवाए, उसके बारे में ये बातें चल रही हैं। क्योंकि सरकार जो लगातार निजीकरण करती जा रही है महकमों का जी जी, वो इसमें मेन मुद्दा है। और नौकरियों खत्म करने जा रही है जो 1983 पीटीआई बैठा के बैठा दिए उनके बारे में, और ड्राइंग टीचरों को भी सुनने आ रही है कि भाई उनका भी हो सकता है फैसला उनके खिलाफ आए जी, तो उसके बारे में सरकार को थोड़ा चिताया जा रहा है। तो सर, सरकार ने किन किन विभागों का निजीकरण किया है, जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा खोल के बताएं सर। सर, जैसे बिजली बोर्ड है, बिजली बोर्ड का अब निजीकरण किया जा रहा है, और हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, कुछ जगह पर प्राइवेट स्कूल भी खोल दिए गए थे सरकारी स्कूलों में, हॉस्पिटलों का निजीकरण करने की कह रही है सरकार, कौन सा रोडवेज है, रोडवेज का निजीकरण कर दिया, कौन सा ऐसा महकमा जो बच्चे रेलवे का निजीकरण कर दिया, तो सारे जितने भी मतलब महकमे मेन महकमे हैं उन सभी का निजीकरण करने जा रही है सरकार। इसके बारे में हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई ये निजीकरण की प्रणाली बंद की जाए। तो सर, जो यहाँ पे कर्मचारी जो धरना दिए हुए, तो कौन कौन से संघ के हैं सर, ये सब बताएं जरा। ये सर श्रम कर्मचारी संघ और महासंघ, कर्मचारी महासंघ जी जी, सी2 के साथी हैं जी जी, एटक एनटक के साथी हैं जी, आंगनबाड़ी वर्कर आशा वर्कर हैं, ये सभी सी2 से संबंधित है, जितने भी महकमे कर्मचारियों से संबंधित जितने भी महकमे हैं वो कर्मचारी महासंघ और सर्व कर्मचारी संघ के अंदर में जी। तो ये कह सकते हैं कि सर्व कर्मचारी संघ जो है, जिसमें सारा कुल मिला के सभी इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांगों को आज सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हाँ जी। तो अब आपकी क्या मांग रही सर? भाई, हमारी यही मांग है कि भाई जो बार बार सरकार को बताया जा रहा है कि भाई सरकार प्राइवेट करना बंद कर दे, निजीकरण करना बंद कर दे, विभागों का नौकरियों को निकालना शुरू करे, सिस्टम बनाए, ये कोई सिस्टम नहीं है कि भाई अब 7 साल हो गए। अब आपको पता होगा कि जो JBT टीचर थे जी जी, 90,000 के करीब JBT टीचर, जिनकी 5 साल में वो एस्टेट खत्म कर दिया जी, प्रणाली खत्म होगी उनके एस्टेट की, वो सिस्टम बना रखे भाई 5 साल वैलिड होगा जी। उसके बारे में जैसे सर्व कर्मचारी संघ ने 3 तारीख को SDM को ज्ञापन दिया सरकार को पहुँचाने के लिए जी जी, तो हर एक जगह पे हुआ ये 3 तारीख को भी जी। तो वो 90,000 भी 2 साल उनकी वो बढ़ा दी, वैलिडिटी बढ़ा दी, सबने सोचा भी हो सकता है कि 7 साल के बाद ये वैकेंसी निकलेंगी, 7 साल होगी उसकी वैलिडिटी जी जी। अब 7 साल भी पूरे हो लिए, इस 1 तारीख को खत्म हो गया वो भी 7 साल भी उनके जी, लेकिन भर्ती नहीं हुई जी। तो वो 90,000 जो साथी थे, कुछ एज भी हो गए, उनमें एज भी निकल गई किसी की साथी की जी जी। तो वो बेरोजगार अब क्या करेंगे? तो सर, ये आगे की क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? आगे की रूपरेखा ये है जी, जैसे भी हमें ऊपर से आदेश होंगे हमारे सर कर्मचारी संघ से, महासंघ से, जैसे भी और जो अन्य साथी अपने हैं, जैसे उनसे आदेश प्राप्त होंगे उस पर हम फूल चढ़ाएं जी जी। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम महावीर सिंह, मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ स्टेट NYT मेंबर हूँ जी। और हम आज जो सरकार लगातार विभागों का निजीकरण कर रही है उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं ट्रेड यूनियनों के उस पर भी आपके, और हम चाहते हैं कि सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्रों को जो है उनको बढ़ावा दे और नौकरियां निकाले, युवा जो बेरोजगार युवा है उनको गुमराह करना बंद करे और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जो है नौकरी उपलब्ध करवाए और सार्वजनिक क्षेत्र जो है उनको बढ़ावा दिया जाए, न कि प्राइवेट क्षेत्र को। अब कोरोना के काल में देखा गया है जितने भी कोरोना के लिए लड़ रहे हैं साथी, चाहे वो हेल्थ से हैं चाहे दूसरे विभागों से हैं, सारे के सारे सरकारी विभागों से कर्मचारी साथी लगे हुए हैं, प्राइवेट का कहीं भी नाम नहीं है, कोई दिखाई एक भी दिखाई नहीं दे रहा, सारे के सारे बंद कर दिए थे अपने टाइम पे, जब लोग मर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल सभी बंद पड़े थे। तो ऐसे उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सार्वजनिक प्रणाली की, उसको बढ़ावा दिया जाए जी जी। तो जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, आज सर्व कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है और सरकार से पूर्व जो अपील करते हैं कि जो विभाग है जितने भी उनका निजीकरण जो है बंद किया जाए और नौकरियाँ जो निकाली जाए और इनकी मांगों को स्वीकार किया जाए। हाँ जी सर, आपका नाम?
मेरा नाम राधेश्याम है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आज का कार्यक्रम है जी, ये सत्याग्रह आंदोलन है जी जी, ये जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ, मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं जो जी जी, उसके खिलाफ पूरे देश में ये आंदोलन है जी जी। और हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि असल में जो ये सार्वजनिक संपत्ति को सरकार बेच रही है जी जी, या देश की मेहनत कश जनता है उसके टैक्स से बनी हुई है जी जी। और आज असल में जो मेहनत करने वाला मजदूर है, किसान है, छोटा कर्मचारी, वो इनकी नीतियों से तंग है जी जी। जो ये नीतियां इन्होंने अपनाई हैं, इससे भयंकर बेरोजगारी होगी जी जी। और देश के जो लुटेरे कारपोरेट घराने हैं उनको छूट होगी जी जी। क्योंकि इस कोरोना काल में पूरा देश आर्थिक मंदी से झेल रहा है, लेकिन देश का बड़ा पूंजीपति रिलायंस वाला अनिल अंबानी आज मतलब उसकी तीन गुना संपत्ति बढ़ गई है जी जी। और इसी तरह जिस अमित शाह है जो बीजेपी का अध्यक्ष है, उनके बेटे का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। हमारे यह बात समझ में नहीं आती, असल में देश के जो रखवाले हैं, जिन्होंने इस देश को सींचा है अपनी कुर्बानी से, उन वो आज दुखी हैं। तो हम आज इस आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि ये जो CI2 से संबंधित हमारे संगठन है और जो SKS जो मेहनत करके खाने वाले जो जनवादी संगठन है, वो सब इकट्ठा हो गए हैं और ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी और हम आज जेल भरने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी जी। तो अभी आपने सुना, इनका कहना है कि जैसा कि सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, उनको नौकरियों से हटाया जा रहा है और सरकार से इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, नई कोई नौकरियाँ निकाली जा रही हैं। तो इसलिए आज ये सभी संगठन जो इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने धरना दिया है। तो सरकार से पूर्व जो अपील है कि इनकी मांगों को स्वीकार किया जाए और नौकरियां खोली जाएं और इनकी जो समस्याएं वो दूर की जाएं। धन्यवाद। सरकार की जनविरोधी नीति मुर्दाबाद।